आप ये जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बैकबेंचर कैसे बने, इसके पीछे की कहानी क्या है, ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि उनको बैकबेंचर बनना पड़ा? एक और चीज़, ये तो शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगी, क्योंकि जिन्होंने यदि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है या फिर जिन्होंने विंग्स ऑफ फायर बुक पढ़ी है, उनको शायद ये पता होगा कि जब अग्नि मिसाइल की लॉन्चिंग का टाइम आया था तो अग्नि मिसाइल शुरू में तो फेल हो गई थी, यानी उसकी लॉन्च नहीं हो पाई थी, जिसके कारण हमारे भारत देश की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी अमूल ने उनका मजाक उड़ाया था। वो भी ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े बैनर लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर चिपका के। इसके पीछे भी ऐसी कौन सी कहानी थी, ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जिसके कारण डॉक्टर कलाम साहब को इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा? यदि आपको ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें कि डॉक्टर कलाम साहब बैकबेंचर कैसे बने, अमूल ने उनका मजाक किस कारणवश उड़ाया, ये सारी चीज़ें यदि आपको जाननी है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में जो ए पी और जे हैं, ये किसके नाम है या फिर इनका क्या मतलब क्या है? तो उनके नाम में जो ए पी और जे हैं, जिनमें से ए अबुल उनके परदादा का नाम है, पी पकीर उनके दादाजी का नाम है, और जे जैनुलाब्दीन उनके पिताजी का नाम है। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उनका नाम बना। तो शुरू से सारी कहानी देखते हैं कि रामेश्वरम में मध्यम वर्ग में जन्मे कलाम साहब को उनके माता पिता ने बचपन से ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचारों की तन्मयता, सादगी उनके अंदर भर दी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वे 6 से 7 साल की उम्र में ही पैसे बनाने उन्होंने चालू कर दिया था, उन्होंने मनी मेकिंग सीख ली थी। आप कैसे, बताता हूँ। इसके दो घटनाएँ हैं। तो पहली घटना 1939 में जब कलाम साहब 8 साल के थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। उस समय क्या पता कैसे बाजार में इमली के बीजों की मांग अचानक से बढ़ गई। कलाम साहब क्या किया करते थे कि इमली के बीजों को साफ करके उनको समेट कर पास की पंसारी की दुकान में जाकर बेच देते थे, तो उनके पास उस समय के हिसाब से अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। अब एक और घटना, एक और इंसिडेंट, जिसमें वे बचपन में ही अच्छे खासे पैसे कमा लिया करते थे। इंसिडेंट भी उसी समय का है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को भी प्रभावित होना पड़ा और अचानक से आपातकाल करना पड़ा। इस समय क्या होता था कि ट्रेनें स्टेशन पर नहीं रुका करती थी, वे सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक और उस स्थान से अगले स्थान पर बिना रुके चले जाया करती थी। न्यूज़पेपर्स जिनको स्टेशन पर रुक कर एक स्थान पर रख दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होने लगा था। अब स्टेशन पर गाड़ियां ना रुककर सीधे न्यूज़पेपर को ऊपर से नीचे स्टेशन पर फेंक दिया जाता था। यही स्थिति रामेश्वरम में भी थी। रामेश्वरम में अखबार बांटने का काम कलाम साहब के चचेरे भाई यानी कज़िन, जिनका नाम शमशुद्दीन था, वो रामेश्वरम में अखबार बांटा करते थे या बेचा करते थे। तो ऐसे में अखबार के बंडलों को लपकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने कलाम साहब को अपना साथी बनाया और उन्होंने अखबार बांटने में भी उनकी मदद की, इसमें उनको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। तो ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बचपन में अखबार बांटने की कहानी। अब अगली स्टोरी की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर बैकबेंचर कैसे बने? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कलाम सर काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम की ही प्राथमिक शाला में हुई, जहां उनके साथ ही सहपाठी भाई पढ़ा करते थे, और इसी स्कूल में या इसी शाला में, इसी पाठशाला में उनके बैकबेंचर बनने की घटना है। तो जब वो 5वीं कक्षा में थे तो वो अपने दोस्त रामनाथ शास्त्री के साथ फ्रंट बेंच पर बैठा करते थे। एक दिन एक नए अध्यापक उनकी कक्षा में आए, क्योंकि कलाम साहब गोल टोपी पहना करते थे जो कि उनके मुसलमान होने की एक निशानी थी, और रामनाथ शास्त्री जनेऊ पहना करते थे या यज्ञोपवीत पहना करते थे। तब उन नए अध्यापक ने यह देखा कि एक पुजारी का बेटा एक मुसलमान लड़के के साथ बैठा हुआ है, तो उनको यह रास नहीं आया और उन्होंने कलाम साहब को पीछे बैठने के लिए कह दिया और सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया। इस बात पर रामनाथ शास्त्री काफ़ी उदास हुआ, उसका चेहरा मानो उतर सा गया था जब अब्दुल कलाम पीछे वाली बेंच पर बैठ रहे थे।
तो इस घटना के बाद अब्दुल कलाम पीछे वाली बेंच पर बैठने लगे और तभी से वे बैक बेंचर कहलाए। तो यह कहानी थी कि कलाम साहब बैक बेंचर बने। अब कलाम सर ने अपनी स्कूल एजुकेशन पूरा करने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से बीएससी फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्हें जो करना था वो स्पष्ट जानते थे, वो क्लियरली जानते थे कि उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और वहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया। अब इसके बाद जब कलाम सर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकले के लिए दो बड़ी बड़ी नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिनमें से जो पहला था वो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके इंटरव्यू के लिए उन्हें दिल्ली जाना था, और दूसरा जो था वो था इंडियन एयरफोर्स, जिसके इंटरव्यू के लिए उनको देहरादून जाना था। कलाम सर दिल्ली गए, वहाँ पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, लेकिन उसके बाद जो उनका अगला इंटरव्यू था जो इंडियन एयरफोर्स का था वो उतना अच्छा नहीं गया, जिसके कारण वे अंदर से ही उन्होंने दुख महसूस किया और इस दुख को ख़त्म करने के लिए वे शिवानंद आश्रम चले गए। अब कुछ दिनों बाद उनका अपॉइंटमेंट लेटर आया और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपॉइंट कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने 250 रुपये माह की सैलरी में उन्होंने 3 साल गुजार दिए। फिर धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता गया। फिर उसके बाद इनको स्पार मुंबई में उन्हें रॉकेट इंजीनियरिंग के अहदे पर रख दिया गया। उसी समय थुम्बा में रॉकेट स्टेशन लगाया जा रहा था। 6 महीने बाद उन्हें अमेरिका से एक लेटर आया, जिसके हिसाब से उन्हें वहाँ या फिर अमेरिका जाना था, वहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। फिर जब वे भारत आए, भारत आकर उन्होंने विक्रम साराभाई सर से बात की कि क्यों ना भारत में ही सैटेलाइट बनाई जाए या तैयार की जाए और उसे लॉन्च किया जाए, जिसका नाम रखा गया SLV-3। कलाम साहब को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। जब प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया तो उसे लॉन्च करने की बारी आई। तो इसके लिए लॉन्च की डेट को 1979 में अगस्त में रखा गया। तो अगस्त में जब इसे लॉन्च किया गया तो यह फेल हो गया, यानी जब इसे लॉन्च किया गया तो यह फर्स्ट ऑर्बिट तो इसने पूरा किया, इस सैटेलाइट ने फर्स्ट ऑर्बिट पूरा किया, लेकिन जब यह सेकेंड ऑर्बिट में गया तब यह सेकेंड ऑर्बिट में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया या बे ऑफ बंगाल में गिर गया। ये कलाम साहब और उनकी टीम के लिए बहुत बढ़िया सफलता थी, पर उन्होंने हार न मानी और फिर से इस पर काम चालू किया और 1980 मतलब अगले साल ही इसे रीलॉन्च किया और इस बार वे पूरी तरह सफल हुए। तो ये प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया था, पूरी तरीके से सफल हो गया था, लेकिन अब बारी आई अग्नि मिसाइल की लॉन्चिंग की। तो कलाम साहब और उनकी टीम ने अग्नि मिसाइल को पूरी तरीके से तैयार किया, उसको लॉन्चिंग स्टेशन में रखा गया। फिर जब लॉन्च करने की बारी आई तो कंप्यूटर ने क्या पता कैलकुलेट करके ऐसा बताया कि प्रोग्राम कुछ गड़बड़ा रहा है या फिर प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी आ रही है। फिर उस गड़बड़ी को थोड़ा बहुत फिक्स करने के बाद उसे फिर से लॉन्च किया गया, तो फिर से वह लॉन्च नहीं हुआ और फिर से कंप्यूटर ने शो किया कि प्रोग्राम कुछ गड़बड़ा रहा है, फिर प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी हो रही है। कलाम साहब की टीम ने उसको फिर से फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वह लॉन्च नहीं हो पाया। और इस समय ऐसा माहौल हो चुका था देश में कि सबकी निगाहें कलाम साहब और उनकी टीम और अग्नि मिसाइल पर टिकी हुई थी। सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में यही अग्नि मिसाइल की खबरें चल रही थी कि अग्नि मिसाइल में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण इसकी लॉन्चिंग रुक गई है। बहुत बड़ी खबर थी, तो उस समय लोगों ने क्या किया, बिना कुछ जाने समझे इसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ छोटे स्तर पर इसका मजाक उड़ाते थे, तो एक कहानी हुई कि अमूल ने, यानी भारत की सबसे बड़े डेयरी प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है अमूल, उसने यह कहकर इसका मजाक उड़ाया, इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि आपको अग्नि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए अमूल बटर की ज़रूरत होगी। और जगह जगह पर इसके होल्डिंग्स भी लग रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, पर फिर भी कलाम सर और उनकी टीम ने हार ना मानी और फिर से इसे जब सारे डिफेक्ट्स को फिक्स करने के बाद उन्होंने लॉन्च किया, तब वे पूर्ण रूप से सफल हुए। तो इस तरह से अग्नि मिसाइल की जो लॉन्चिंग है वो सफल हुई। कलाम साहब और उनकी टीम इस सफलता का जश्न मना रहे थे, वे इस पर खुश हो रहे थे और साथ ही मीडिया वालों को भी और दूसरों को भी इस बात का जवाब मिल चुका था। तो ये थी अब्दुल कलाम साहब की सफलता की कहानी।
यदि आपको वीडियो किसी भी कारण से पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर कर लेना। सो दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर टुडेज़ वीडियो, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे और सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। मैंने उन्हें एंड स्क्रीन में डाल दिया, चाहे तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।